महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन को भाया लौंगी भुइया का निस्वार्थ परिश्रम, गिफ्ट किया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मिलने के बाद लौंगी भुइया को खेती करने का सपना हुआ साकार। 30 वर्षों तक अथक परिश्रम कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में फावड़े से अकेले नहर खोदने वाले बिहार के कैनाल मैन लौंगी भुइया को औद्योगिक घराना महिंद्रा ग्रुप से सम्मान देकर सपना किया पूरा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के निर्देशक पर गया के स्वराजपुरी रोड स्थित महिंद्रा के डीलर ने लौंगी भुइया को ट्रैक्टर सौंपा। गया के नक्सल प्रभावित बाकी बाजार के लुटिया की कोठिलवा गांव के रहने वाले 70 वर्षीय लौंगी भुइया ने अकेले पहाड़ से गांव तक 5 किलोमीटर तक नहर 30 वर्षों में खोद कर मिसाल पेश की थी। लौंगी भुइया के बारे में जब आनंद महिंद्रा को जानकारी मिली तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लौंगी मांझी की सराहना की थी और उनके द्वारा खोदे गए कैनाल की तुलना आज से की थी। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए हाथ से ही नहर खोद डालने वाले लौंगी भुइया को ट्रैक्टर देने का ऐलान करते हुए लिखा था कि उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गया में अपनी कंपनी के डीलर को निर्देशित किया गया, जिसके बाद डीलर द्वारा लौंगी भुइया ने संपर्क स्थापित कर और ट्रैक्टर हैंड ओवर किया गया। आज तो हाकिम लगे थे क्या, आज तो बहुत अच्छा लगे थे। वन विभाग वाला रोक टोक भी किया ना, कुछ कहियो ना, कहियो ना, कुछ हो ना। नक्सली इलाका है आपका? हाँ लगे है, हाँ लगे है, बाकी कहियो ना रोक टोक। नक्सली लोग ना रोक ले है? नक्सली लोग भी रोकते थे ना? रोक ले, कहियो ना रोक, कहियो कोई ना, न फलोटर न उटर कोई ना, न कटाल कार्ड भूख कोई ना। भेंट होता था नक्सली? हाँ भेंट होबा ले, हाँ भेंट होबा ले। हौसला बढ़ावा लगी, हौसला तोड़ा? हाँ कल चोर है ये तो कौन ना, हम कल के बोले कि हम जोचत ना नहीं हो, हम तो पानी लगे थे देश पर, तब जो रह जाना पानी कर जाए जगह अच्छा ले जो। अच्छा इस बीच में कभी सरकार से कोई बातचीत, कोई लोग बोला कि हो जाएगा, कोई सरकार का आदमी आया, प्रशासन का कोई आदमी बोला? कोई ना हाकिम, कोई ना जान। 30 वर्ष में कभी तो कोई ना जान, हम हाँ हाँ पुणे रो भाई चली जा बिचैली जहाँ से ऑपरेशन भी कर ली तो घरे वाला अभी पूरा कंट्रोल हमारा कर लेगा, टेके पर चले बुढ़वा के एकदम घर से निकला ही और जहाँ से कुछ चल नहीं घर ही रह फिर अभी बीमार पड़ सो अभी मर जो हमको जो चल गया फिर चुपे जाए लगे बेस हो गई ना फिर जाए लगे डॉक्टर खोज 3-4 दिन थक गई खोजते खोजते फिर अकेले हम खोज ली फिर रानीगंज छोटा जाय बाबू के पता लगे तिला गुप्ते कि ऐसा हमारा अच्छा सा बात है जन 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 जी ने जन क्या ना जैसे किनको दे रहे हैं। आज का दिन महिंद्रा परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि इस बिहार धरती के गया जिले के लौंगी मांझी जी का जो अद्वितीय मिशन है, जो इन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके जिस मिशन को आगे बढ़ाया है, उस मिशन को पूर्ण करने में महिंद्रा ट्रैक्टर्स परिवार उसमें सहभागी बन रहा है, ये आज हम सभी के लिए पूरे महिंद्रा परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो भी इन्होंने मिशन लौंगी मांझी जी ने किया है, ये बहुत ही अद्वितीय मिशन है, समाज के लिए एक प्रेरणा है। आज देश में इस तरह की प्रेरणा स्रोतों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे जैसे ही हमारे चेयरमैन साहब के संज्ञान में ये चर्चा बातचीत आई कि इस तरह से एक अद्वितीय कार्य बिहार के दूर दराज क्षेत्र में लौंगी मांझी जी ने किया है, उन्होंने तुरंत इस विषय में निर्देशित किया और लौंगी मांझी जी की सबसे पहली आवश्यकता थी कि इस मिशन को पूर्ण करने के लिए उन्हें सर्वाधिक ज़रूरत एक ट्रैक्टर की है और ये हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने इसके लिए तुरंत संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया है, जिसके अंतर्गत आज हम ये महिंद्रा ट्रैक्टर लौंगी मांझी जी को सुपुर्द कर रहे हैं। आज इस गया में अपने अधिकृत विक्रेता सिद्धार्थ ट्रैक्टर के